हेलो एवरीवन, आई मीन अनमू, लेक्चर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ब्रह्मपुरी. ओके, नाउ वी विल सी द टर्म्स रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन. ओके, व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज something that happens over and over and over again. It is very frequent, consistent and repetitive. Frequency means एक ऐसी action जो continuous repeat हो रही है particular time period के बाद. जैसे fan का circular motion ले लो, वो कुछ second के बाद और से उसी जगह पे उसका motion आता है. एक cycle complete करने के बाद और से एक cycle complete करता है, और से एक cycle complete करता है, और से एक cycle complete करता है. तो सेम एक्शन वो ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन हैपन हो रही है, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली हैपन हो रही है, रिपीटेटिव हैपन हो रही है, तो उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे. सो फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड इवेंट ऑकर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जैसे फैन के एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ मिली सेकेंड टाइम लगेगा, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड. द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में मेजर होती है. जैसे फैन का एग्जांपल लिया था, तो फैन का जो साइकिल है, 1 सर्कल है, वो 1 सेकंड में कितने टाइम्स कंप्लीट होते हैं, वो कितने सर्कल कंप्लीट करता है, उसको हम फैन की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है. वैसे ही हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 सेकंड में वो कितने सिग्नल जो है वो कंप्लीट करता है इन 1 सेकंड, ठीक है. तो वो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी. एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइकिल किसको बोलेंगे, ये डायग्राम है डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के या सिग्नल के. ये एक एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पे ये सिग्नल दिया है जो पीरियडिक सिग्नल है, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है उसका साइज एंड शेप, ठीक है. तो कितने टाइम तक उसका साइज जो है एक साइकिल को, एक अप एंड डाउन जो भी एक कंप्लीट करता है, उसको हम साइकिल बोलेंगे. यानी ये जो सिग्नल है यहाँ से अप गया, फिर जीरो हो गया, और फिर नेगेटिव हो गया, और से जीरो हो गया, यहाँ पे उसके एक साइकिल कंप्लीट करे. फिर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद उसे और से वो रिपीट कर रहा है उसको, और से रिपीट कर रहा है उसको, और से रिपीट कर रहा है उसको, यानी जब तक वो रिपीट नहीं करता तब तक उसको हम बोलेंगे 1 साइकिल. तो ये हो गई ये सिंगल साइकिल, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो मल्टीपल साइकिल दी है, तो ये टाइम पीरियड है, नीचे की जो एक्स एक्सिस है वो टाइम पीरियड है, ठीक है. तो ये 0 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.5 सेकंड, ये 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में वो कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये 1 साइकिल हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है. तो 1 सेकंड में ये 5 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसकी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 5 हर्ट्ज, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, इट्स कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, ठीक है. तो ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी हम कब बोलेंगे, यानी 1 सेकंड में अगर कम साइकिल कंप्लीट करता होगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, और 1 सेकंड में अगर मल्टीपल नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करता होगा तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलेंगे. ओके, देन नेक्स्ट टर्म है वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर पॉइंट ऑन टू बैक वेव्स. ये एक सिग्नल हो गया, यहाँ पे सिमिलर पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे वेव्स वहां पे खत्म हो रही, तो सिमिलर जो मैग्नीट्यूड है उसका डिस्टेंस जो हो गया वो. तीन तरह से वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो ये जीरो लेवल पे या पॉजिटिव लेवल पे जो हाई पॉइंट्स है वो, या नेगेटिव लेवल पे जो हाई पॉइंट्स है, लोअर पॉइंट्स है वो, ठीक है. तो ये तीन टाइप से हम, एक तो यहाँ पे वो सेम पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे है जीरो लेवल पे, और ये नेगेटिव लेवल पे. तो ये जो डिस्टेंस है 1, 2 और 3, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ. ये तीनों का डिस्टेंस जो है वो, या जो वैल्यू है वो सेम रहेंगे. यहाँ पे भी उसका कुछ वैल्यू होगा तो 0.2 रहेगा, यहाँ पे भी 0.2 रहेगा, यहाँ पे भी 0.2 डिस्टेंस में वैल्यू रहेंगे, ठीक है. तो ये हो गया
वेवलेंथ, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर पॉइंट्स ऑन टू बैक टू बैक वेव्स। देन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द हाइट फोर्स और पावर ऑफ द वेव। ठीक है, ये एक सिग्नल ले लिया, या ये जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को डिनोट करते हैं, तो जीरो टाइम पे उसका जो पावर है वो जीरो है, यानी एम्पलीट्यूड उसका जीरो है। फिर यहाँ पे बीच में आ गए तो वहां पे कुछ टाइम होगा 0.05 सेकंड होगा, तो उसमें जो उसका पावर है वो कुछ ले लो 4, कुछ तो भी वैल्यू होंगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होंगी, तो वो जो भी वैल्यू होंगी वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया। फिर से 0.1 सेकंड पे आ गया तो उसकी वैल्यू और से जीरो हो गया एम्पलीट्यूड, यानी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की उसकी जो हाइट होंगी फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ओके, हायर द पावर और एम्पलीट्यूड, हायर द वेव फ्रॉम पिक्स, हायर पावर होंगी तो हायर वेव्स होंगी फ्रॉम द पिक, एंड लोअर पावर होंगी तो लोअर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। देन नेक्स्ट टर्म है बिट इंटरवल एंड बिट रेट। अभी यहाँ पे बिट आ गया, बिट मीन्स 0 या 1, यानी डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिटल सिग्नल, फॉर एग्जांपल 1 कैन बी इनकोडेड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड 0 कैन बी इनकोडेड एज अ 0 वोल्टेज। डिजिटल वेव में क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, एक तो जीरो होंगे नहीं तो वन होंगे, हम बीच में के कंटिन्यूस वैल्यू नहीं लेते हैं डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, तो बिट इंटरवल क्या होता है, टू कंप्लीट बिट इंटरवल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन बिट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ओके, सिंगल बिट यानी नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 0, 1, 0, 1, तो इसमें का जो सिंगल बिट है 0 या 1 को ट्रांसमिट करने के उसको लिए कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे बिट इंटरवल। और दूसरा है बिट रेट, बिट रेट क्या है, द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकंड, जैसे फ्रीक्वेंसी होते हैं नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, वैसे ही बिट होता है इधर नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड। डायग्राम से समझते हैं, ये एक डिजिटल सिग्नल है, रेड जो लाइन है वो डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, जहां पे वो ऊपर है वो वैल्यू 1 हो गई, जहाँ पे वो x एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये सिग्नल हो गया 1 0 1 1 0 0 0 1। ओके, तो ये 1 सेकंड, ये जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड का लिया है उन्होंने, तो 1 सेकंड में कितने बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसका जो बिट रेट है वो 8 बिट्स पर सेकंड, 8 बिट वो ट्रांसमिट कर रहा है पर सेकंड, इसलिए उसका बिट रेट हो गया 8 bps बिट्स पर सेकंड। और एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए उसको टाइम लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 सेकंड, 1 सेकंड में 8 बिट हो रहे, तो 1 बिट ट्रांसमिट करने के लिए उसको 1 डिवाइडेड बाय 8 टाइम लग रहा है। तो बिट रेट क्या हो गया, ये सिंगल 1 बिट को या 0 बिट को ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हमारा बिट रेट हो गया, बिट इंटरवल हो गया बिट रेट, द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड। देन है बॉड रेट, अभी बिट रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड। ठीक है, बिट यानी बिट, बॉड क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड। बिट रेट में बिट कितने ट्रांसमिट होते हैं, बॉड में बॉड यानी सिग्नल कितने ट्रांसमिट होते हैं इन 1 सेकंड। जैसे ये डायग्राम ले लो, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है सपोज ये 1 सेकंड का है, तो यहाँ पे क्या है, जो हर एक सिग्नल में जो बीट है वो सिंगल बीट ट्रांसमिट हो रहा है, और इस डायग्राम में हर एक सिग्नल के साथ 2 बीट ट्रांसमिट हो रहे हैं। हम एक सिग्नल के साथ कितने भी बीट ट्रांसमिट कर सकते हैं, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट, हमको जितनी चाहिए उतनी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बीट ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे 2 बीट ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस केस में जो बीट रेट है वो कितना होगा, ये 1 सेकंड का टाइम है तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 4 बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका 4 बिट रेट है, इसका 6 बिट रेट है। पर जहाँ पे 1 बिट ट्रांसमिट होता है एट ए टाइम, वहां पे बॉड रेट भी सेम रहता है, जितने बिट ट्रांसमिट होते उतने सिग्नल भी उतने ट्रांसमिट होते हैं, मीन्स यहाँ पे जितने बिट ट्रांसमिट हो रहे उतने सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहे, 1, 2, 3,
चार। ओके, तो यहाँ का बिट रेट और बॉड रेट सेम है क्योंकि एट अ टाइम सिंगल बिट ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू सिग्नल, बट यहाँ पे क्या है बिट रेट और बॉड रेट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम टू बिट ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो यहाँ का बिट रेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, बिट रेट जो है वो 6 है, पर बॉड रेट कितना है, 1 सिग्नल 2 सिग्नल 3 सिग्नल, बॉड जो है यहाँ पे 3 ही हो रहे हैं। तो यहाँ का क्या है, दस बॉड रेट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बिट रेट। एक तो बॉड रेट इक्वल टू बिट रेट रहेगा, नहीं तो उससे कम रहेगा। तो इस डायग्राम में क्या है, बिट रेट एंड बॉड रेट आर इक्वल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्नल इज 1 और यहाँ पे बॉड रेट इज लेस देन बिट रेट। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड इन सिग्नल इज 2। ठीक है, तो यह है डिफरेंस बिटवीन बिट रेट एंड बॉड रेट। देन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हायर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर फ्रिक्वेंसी। एक बीट बैंडविड्थ क्या है, फ्रिक्वेंसी की रेंज दी जाती है हमको, तो हायर फ्रिक्वेंसी कितनी है और लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसमें का डिफरेंस जो है वो हमारा बैंडविड्थ हो गया। जैसे यहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी है 300 हर्ट्ज़, और यहाँ पे है 3100 हर्ट्ज़। देन बैंडविड्थ क्या हो गया है, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी, दैट इज 3100 माइनस 300, द डिफरेंस इज 2800 हर्ट्ज़ इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, तो ये हो गए टर्म्स रिलेटेड टू डेटा कम्युनिकेशन। इसमें हमने देखे फर्स्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। देन है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, डिफरेंस बिटवीन सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट, 3 वे से हम उसको मेजर कर सकते हैं और तीनों के जो डिस्टेंस है वो सेम रहेंगे, दैट इज वेवलेंथ। देन है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है एट अ पर्टिकुलर टाइम पे उसकी हाइट कितनी है, जो हाइट होंगी वो उसका एम्पलीट्यूड होगा या पावर होगा, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। देन बीट रेट और बीट इंटरवल है, बीट रेट मीन्स नंबर ऑफ बीट ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड, बीट इंटरवल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सिंगल बीट। देन है बॉड रेट, बॉड रेट क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड, एंड लास्ट वन इज द बैंडविड्थ, डिफरेंस बिटवीन हायर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर फ्रिक्वेंसी, दैट इज द बैंडविड्थ। थैंक यू।